कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के बहाने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल दिग्विजय ने प्रदेश के अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में एक भी परमानेंट फैकल्टी न होने पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि प्रदेश के लगभग सभी विश्वविद्यालय का यही हाल है, अयोग्य शिक्षक और प्रोफेसर शिक्षा देंगे तो शिक्षा का स्तर क्या होगा। इसके बाद दिग्विजय ने इशारों ही इशारों में बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए लिखा कि केवल अपने अयोग्य कार्यकर्ताओं को रोजगार देना लक्ष्य है।